हेलो हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ द क्लास नाइन्थ सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। पहले हम बात करते हैं कि मैटर के बारे में। मैंने आपको बता रखा था कि मैटर क्या चीज़ होती है। मैटर वह चीज़ होती है जो कि क्या नाम है, ऑक्यूपाई करती हो प्लेस को और उसके अंदर खुद का क्या वेट होता। जिस ऑब्जेक्ट के अंदर वेट होगा और वो ऑक्यूपाई करती हो प्लेस, यानी स्थान को अडेप्ट करती हो, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। जैसे कि आपने देखा था मेरे हाथ में क्या है, पेन है। अब यही पेन है मैं यहाँ रख दूँ, इस पेन को जब तक मैं नहीं हटाऊँगा तब तक दूसरा पेन नहीं सेट हो पाएगा। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि मैं बात कर रहा था कि मैटर की, इस चैप्टर में मैंने बताया कि क्या नाम है, मैटर की प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी। सॉलिड में भी था, लिक्विड में भी था, गैसीय स्टेट में भी था, सारी प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस कर दी। आज मैं बात करता हूँ कि मैटर प्योर है और इम्प्योर है, प्योर है और इम्प्योर है। कि इसमें हम देखते हैं ऑल मैटर अराउंड अस इट्स नॉट प्योर। जितनी भी चीज़ें हमारे चारों तरफ पाई जा रही हैं वो सारी कैसी हैं, वो प्योर नहीं है। क्यों नहीं है प्योर? इसलिए नहीं है प्योर क्योंकि रीज़न ये है कि जितनी भी हमारे अराउंड में ऑब्जेक्ट पाई जाती हैं वो किसी न किसी चीज़ से मिली होती है। और ये क्वांटिटी डेफिनेटली नहीं होती कि उसमें कितनी क्वांटिटी में हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है और कौन कौन सी क्वांटिटी हमें उसमें मिली हुई है। यानी कहने मतलब जितनी भी ऑब्जेक्ट विदाउट रैशनल में या अनकंडीशनल या अननोन कंडीशनल में अगर पाई जाती है वो सारी सारी ऑब्जेक्ट इम्प्योर स्टेट में पाई जाती है। क्लियर। द मैटर अराउंड अस इज ऑफ टू टाइप्स। जितने भी हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट पाए जा रही हैं वो हमेशा टू टाइप्स में पाए जाएंगे। सबसे पहला आता है प्योर सब्सटेंस, सेकेंड आ जाता है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सर भी बोल सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या है। प्योर सब्सटेंस द सब्सटेंस विच इज फॉर्म ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। यानी जो सब्सटेंस एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हो, उसमें एक ही टाइप का एटम मिला हो या एलिमेंट्स मिले हो, या कह सकते हैं या उसमें जो मॉलिक्यूल्स बने हों वो सिर्फ एक ही जैसे हों, समझ गए ना क्या। जैसे क्या है, सल्फर का एलिमेंट ले लिया, तो सल्फर के एलिमेंट को अगर हम तोड़ते हैं तो सल्फर 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 कई बार पीस में डिवाइड हो जाए, तो सल्फर डिवाइड जब होता है वो सल्फर के एटम में डिविजल हो जाता है। क्लियर हो गया। कहने मतलब अगर जैसे क्या है, अगर मैं आयरन की एक नी ले ली, आयरन की एक नी ले ली, अब उसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इस पीस में कर दूंगा, कई सारे छोटे छोटे पीस हो गए। अब इन पीसों में मैंने देखा ये छोटा पीस क्या हो, गोल्ड में हो गया, ये एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर में हो गया, ये प्लेटिनम गोल्ड में हो गया, कोयले में हो गया, एक्सेट्रा बेरीज, ये तो नहीं हो सकते ना। ये जैसे अगर आयरन है तो आयरन की ही पार्टिकल्स हमें मिलेंगे, तो ये कैसी है, प्योरेस्ट स्टेट। कैसी है, प्योरेस्ट स्टेट। सल्फर एलिमेंट इज मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ द पार्टिकल्स, एटम से बनी है, सो सल्फर इज द प्योर सब्सटेंस। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है वाटर, पानी को आप कहेंगे। वाटर इज द मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ द मॉल पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स के द्वारा बनाता है। जैसे वाटर के कई सारे एच टू होते हैं, एच टू ओ, फिर एच टू, इस तरह एच टू मॉलिक्यूल होते हैं, वो सारे एक सब कंप्लीट हो जाते हैं, कम्प्लेक्स हो जाते हैं, वो क्या करते हैं एक लार्ज अमाउंट में क्वांटिटी में एक लिक्विड स्टेट बना लेते हैं। ये क्या है, वाटर इज ऑल्सो नोन एज द प्योरेस्ट सब्सटेंस और मॉलिक्यूल स्टेट। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप बात करेंगे, हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स ये प्योरेस्ट ही स्टेट होती है, एलिमेंट भी प्योरेस्ट स्टेट होती है, कंपाउंड भी प्योरेस्ट स्टेट होती है। एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ जो सब्सटेंसेस उसी के ही पार्ट पाए जाएंगे या पार्टिकल पाए जाएंगे, एटम्स पाए जाएंगे या आइंस पाए जाएंगे, अदरवाइज किसी के नहीं पाए जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन के एटम्स ही पाए जाएंगे या आइंस पाए जाएंगे। ठीक है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के भी ऑक्सीजन पार्टिकल या आइंस पाए जाएंगे। नाइट्रोजन है तो क्लोरिन है या ब्रोमिन है एक्सेट्रा, इनके सभी के अलग अलग स्पेशल टाइप्स में आइटम्स पाए जाते हैं। क्लियर। इन्हीं के स्पेशल आइटम्स पाए जाएंगे, अदरवाइज किसी के अंदर किसी दूसरे एटम्स नहीं प्रेजेंट होंगे। कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड्स जैसे वाटर हो गया, सीओ टू हो गया, शुगर हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया एक्सेट्रा, ये वेरियस टाइप्स ऑफ द सब्सटेंस पाए सब्सटेंस जो कि एक रैशनल एक डेफिनेट रेशियो में जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड कहलाते हैं। यानी कि जो एलिमेंट एक डेफिनेट रेशियो में किसी दूसरे एलिमेंट के साथ एग्जिट करते हैं, रहते हैं,
या कंबाइन हो जाते हैं, वो कंपाउंड बनाते हैं, क्लियर हो गया। या सी और ओ अगर आपस में मिल जाते हैं, कार्बन मोनो बनाए या कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने क्या बनाया, H2 बनाया, हाइड्रोजन परऑक्साइड बना सकते हैं, क्लियर हो गया। शुगर हो गया, शुगर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला, लेकिन डेफिनेट रेशियो तो है उनका, एक डेफिनेट फिक्स रेशियो है जिसमें क्या पार्टिकल उसी के ही पाए जाएंगे, अदरवाइज किसी के नहीं पाए जाएंगे, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका होता है कि इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को मैंने बताया है कि मिक्सचर इज नोन एज अनदर नेम, ठीक है। मिक्सर एक अनदर नेम होता है जिसके द्वारा हम इम्प्योर सब्सटेंस को हम बोल सकते हैं। अ मिक्सर इज द वन विच कंटेन टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द पार्टिकल। मिक्सर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर हम दो या दो से अधिक टाइप्स के, वेरियस टाइप्स ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे आप सॉइल ले लो, सॉइल के अंदर जरूरी है क्या कि उसके डस्ट पार्टिकल ही पिलेंगे, नहीं ना, उसके अंदर हो सकता है मिनरल्स भी हो सकते हैं, या हो सकता है उसके अंदर ऐसे ऐसे पार्टिकल ह्यूमस पाए जाए, है ना, ये वाटर क्वांटिटी हो सकती है, लेकिन कोई डेफिनेट रेशियो में नहीं हो सकती ना। सो वी कॉल्ड इट द सब्सटेंस इज नोन एज अ मिक्सचर। द सब्सटेंस विच हैव द अनडेफिनेट रेशियो, जिसके पास कोई डेफिनेट रेशियो नहीं हो, किसका, कंस्टिट पार्टिकल का, कंसिस्ट पार्टिकल का कोई डेफिनेट रेशियो नहीं होता, वो सारे के सारे मिक्सचर कहलाते हैं, क्लियर हो गया। जिसमें एटम और मॉलिक्यूल्स का कोई भी फिक्स रेशियो नहीं प्रेजेंट होता है, वो सब्सटेंस को हम मिक्सचर कहते हैं। अ मिक्सर कंटेन टू और मोर प्योर सब्सटेंस, समझ गया, एक दो या दो से अधिक प्योरेस्ट सब्सटेंस मिलाकर एक अनफिक्स रेशियो में जो सब्सटेंस रेडी होता है उसे मिक्सचर कह सकते हैं। जैसे सॉल्ट ले लो, सॉल्ट में जरूरी है Na और Cl ही मिले, जरूरी हो सकता नहीं है, ऐसा हो सकता है उसके अंदर और भी क्रिस्टल डस्ट पार्टिकल भी पा सकते हैं, ठीक है। और शुगर सॉल्यूशन हो गया, आपका मिल्क हो गया, एयर हो गया, वुड हो गया, सॉइल हो गया, इसमें ये सारे सारे क्या कहलाते हैं, मिक्सचर कहलाते हैं, क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट आपका क्या है, मैटर डिवाइड इंटू थ्री क्लास। मैंने आपको मैटर को डिवाइड कराया है फिजिकल स्टेट में, तो आपके मैटर डिवाइड होते हैं फाइव स्टेट में। पहला आपका सॉलिड लिक्विड, थर्ड गैस, फोर्थ प्लाज्मा, फिफ्थ BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। लेकिन अब केमिकल कंपोजिशन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम मैटर को थ्री स्टेट में रख सकते हैं। पहला एलिमेंट्स होता है, दूसरा कंपाउंड होता है, तीसरा मिक्सचर होता है। तो एलिमेंट्स, व्हाट इज मीन बाय द एलिमेंट्स, तो एलिमेंट की वैसे अब एलिमेंट हमारे पास अभी तक 118 एलिमेंट्स है, लेकिन कहीं कहीं 115 एलिमेंट्स भी कंसिस्ट है, कहीं कहीं 14 एलिमेंट्स भी कंसिस्ट है, ठीक है। लेकिन अभी तक नॉन कंडीशन में हमें सिर्फ और सिर्फ कैसे हैं 115 कंडीशन, 15 एलिमेंट्स ही नॉन कंडीशनल रहे, ठीक है। लेकिन यह कहीं कहीं क्या है, कहीं कहीं 118 एलिमेंट्स भी लिखे हुए होते हैं, ठीक है। एलिमेंट की डेफिनेशन, एन एलिमेंट्स इज अ सब्सटेंस विच कैनॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे हम सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हैं, अगर तोड़ेंगे भी तो उसी के ही पीस बनेंगे, उसे तोड़ भी देंगे तो उसी के ही पीस बनेंगे। आयरन को अगर तोड़ा तो आयरन के ही पीस बनेंगे, ऐसे तो नहीं आयरन को तोड़ा गोल्ड और प्लेटिनम बन गया, नहीं ना। तो आयरन यानी एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे हम स्प्लिट नहीं कर सकते, किसमें, टू और मोर सिंपल सब्सटेंस में। द यूजल केमिकल मेथड ऑफ अप्लाइंग हीट लगा लो या लाइट लगा लो, इलेक्ट्रिक एनर्जी लगा लें, तो भी एलिमेंट्स डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ द सब एटम्स पार्टिकल्स, क्लियर हो गया। एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही काइंड्स के पार्टिकल या आयंस या एटम्स से बना होता है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर मेटल इज मेड अप ओनली वन काइंड्स ऑफ द एटम कॉल्ड द कॉपर एटम। जैसे कॉपर को अगर कॉपर वायर आपने लिया, तो कॉपर वायर अगर टूटेगी भी तो कॉपर वायर के ही एटम्स ही डिवाइड होंगे, ठीक है। जैसे आपने आपने क्या लेंगे, आप लेना चाहें एल्युमिनियम ले, गोल्ड ले, या फिर आपने क्या लिया, आपने प्लेटिनम ले रखा है, तो उसको अगर डिवाइड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको उसी के ही पार्टिकल बनेंगे जिस टाइप का वो सब्सटेंस है, ठीक है। देयर आर 115 एलिमेंट्स नॉन एट द प्रेजेंट टाइम, आउट ऑफ विच 92 एलिमेंट्स आप जो आपके हैं कैसे हैं, वो नेचर में नेचरी वे में पाए जाते हैं, लेकिन वाइल 23 जो एलिमेंट्स हैं जो कि आपको कैसे आर्टिफिशियल मेड अप हैं,
आर्टिफिशियल प्रोसेस के द्वारा ही बनाए गए हैं, जो कि जैसे आपका आपने देखा हो कभी कभी एक ऐसा पार्टिकल देखा है, सब्सटेंस देखा है जो कि नाइट में जलता है, थोड़ा कलर रोशनी प्रोवाइड करता है, ठीक है, फॉस्फोरस जो भी है, ठीक, ऐसे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो नेचुरली वे में, कुछ ऐसे नेचुरली वे में मिलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं आर्टिफिशियल वे में, रुबेंडियम होता है और फिर और भी कई सारे एलिमेंट्स हैं जो कि क्या ना आर्टिफिशियल वे में रेडी किए जाते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका आता है कि एलिमेंट्स को हम डिवाइड कितने बैठे हैं। तो एलिमेंट्स को हमने डिवाइड किया कितने, एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सॉलिड में ही रहे, लिक्विड में ही रहे, गैस स्टेट में, जैसे जैसे प्रॉपर्टी उसी के हिसाब से एलिमेंट्स अपनी शेड ऑक्यूपाई करता है। क्लियर हो गया? एलिमेंट्स आर थ्री इन टाइप्स, एलिमेंट तीन टाइप्स में होता है, पहला मेटल होता है, दूसरा नॉन मेटल होता है, तीसरा मेटलॉइड होता है। मेटल क्या होता है, दो सब्सटेंस विच आर रिगिड, हार्ड इन शेप, सोनरस, सोनरस होता है, कंडक्टर होता है, एंड वेल्ड, और क्या होता है, सॉरी, साइनिन नेचर होता है, जबकि अपोजिट कंडीशन क्या होती है, नॉन मेटल होती है। मेटलाइट इन दोनों की प्रॉपर्टी मिक्सिंग करके बनाई होती है, मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी का जो होता है वो मेटलाइट बनाता है। आगे मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा, तब तक बाय बेटा। लेकिन याद रखिए बेटा, आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। जितने स्टूडेंट ने नहीं किया वो ध्यान से कर लीजिए, ठीक है, बाय बेटा।